फ्रेंड नमस्ते, जय माँ ज्वालपा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हाँ, मैं भी बढ़िया। और मैं पहुँच रखी हूँ अपने खूबसूरत से उत्तराखंड में। देखना, मेरी सास ने यहाँ पे बीजेपी का झंडा भी लगा रखा है, और इधर लगा रखा है बजरंगबली का झंडा, और कलर फेड हो गया। और फ्रेंड मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे से, और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है गाँव का। और मैं और मेरे हस्बैंड ऊपर वाले छत में आ रखे हैं घूमने। देखिए, ये हमारी किचन वाली छत है, और ये हमारी इस तरफ की छत है, और नीचे एक और छत है, ये वाली नीचे ये वाली छत है। तो बहुत सुंदर हो रखा है, और ठंड जैसी लग रही है। बारिश उरिश तो हुई नहीं, कल परसों हुई थी बल, तो अच्छा हो रखा है। इधर बकरियाँ आ रखी हैं यहाँ यहाँ पे। मुर्गी, मैं सोच रही बकरी है, जंगली मुर्गियां हैं, जंगली मुर्गियां। जाओ मारो, हम तो खैर खाते नहीं है। वो देखना, वो वहाँ पे मुर्गियां। तो अब मैं रात को रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट भी जरूर करना कि कैसा है हमारा उत्तराखंड। और तो फिर देखते रहना मेरी वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ ज्वालपा, जय श्री राम, गुड नाइट, जय माता दी। रही हूँ मिक्स पराठे, गोभी प्याज आलू मिक्स पराठे हैं, और लेकिन यहाँ ज़्यादा अच्छे नहीं बन रहे जैसे दिल्ली में बन रहे थे मेरे हाथ से। और इधर बना रखे मैंने पतीली में, छोटी सी पतीली में चाय गिर भी गई, अभी साफ कर रहा था। और ये है प्योर देसी घी से बना रही हूँ पराठे, मेरी सास ने कहा इससे बना, और ये सास को देती हूँ। अपने लिए सादा बनाऊँगी, क्योंकि मेरा आज मन नहीं कर रहा गोभी के पराठे खाने का। हो गया है मेरा नाश्ता रेडी, सास को भी दे दिया, इनको भी दे दिया है। अब मैं अपने लिए ले जा रही हूँ। तो मेरी थोड़ी सी रात की सब्जी है, और सादा पराठा है, और चाय है। तो चलो चाय पराठे का आनंद लेते हैं खूबसूरत उत्तराखंड की हसीन वादियों में, और बाहर बैठ के छत में। मेरी सास यहाँ बैठी है, ये अंदर बैठे हैं अकेले अकेले कुर्सी टेबल लगा के। तो चलो फिर मैं भी करती हूँ नाश्ता। मैं कहाँ बैठूँ, मैं बैठती हूँ यहाँ पे। जय देव भूमि उत्तराखंड की जय हो। आ रखा है तो पानी का फ़ायदा उठाती हूँ। मैंने किचन की धुलाई कर दी है पूरे यहाँ से लेके, और देखती हूँ कब तक आता है पानी। अभी पहले टंकी भरते हैं, फिर उसके बाद भांडे बर्तन भरेंगे। किचन तो गंदा हो रखा था, किचन मैंने धो दिया है, और देखती हूँ अगर पानी आता रहेगा तो एक एक कमरे करके तीनों कमरे भी धो देती हूँ। पता नहीं कब आता है पानी। ये देखें किचन तो हमारी चमक गया, बर्तन वगैरह भी मैंने सब धो के रख दिए हैं। सिल्प भी मैंने पूरी धुलाई कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलो मैं टंकी देखती हूँ कितनी भरी। और मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, मैंने कहा तुम फटाफट नहाओ, एक एक करके निपटते हैं। फिर उसके बाद ये बिस्तरा मैं साइड करती हूँ, क्योंकि ये वाला कमरा धोते हैं पहले, क्योंकि ये खाली है। अब मेरे हाथ थक गए हैं, तो यहाँ से आगे मेरे हस्बैंड करेंगे, ज़रा वो लंबे हैं। एक कमरे के एक बेड के बिस्तरा है ये सारा, सारा एक बेड में भरा हुआ था। और दूसरे कमरे का कल, और तीसरे कमरे का परसों, क्योंकि एक ही दिन नहीं, और फिर एक दिन करनी है धुलाई, चौथे दिन धुलाई, पांचों दिन दिल्ली। कमरा हमारा ये है सबसे किनारे वाला, ये पूजा का मंदिर है। और अभी नहा धो के जलाएंगे दिया बत्ती। यहाँ भी बेड लगा हुआ है, मेरी सास ने क्या कर रखा है, थैले थैले, इतने थैले थैले संभाले रहते हैं ना इन्होंने। यहाँ भी बेड लगा, अभी पूरा झाड़ झपोट करेंगे पंखों से लेके। वो देखिए पूरे पे जाले लगे हुए हैं, वो देखो उस कोने में। तो अभी चाय नाश्ता करने के बाद इसकी सफाई करेंगे, फर्स्ट रूम। और सेकंड रूम ये है, यहाँ दो बेड लगे हुए हैं, ये देखिए
यहाँ मेरी सास सोई थी। ये हमारा किचन है, इधर साइड में टॉयलेट बाथरूम है, इसी पे अटैच है। और ये हमारा तीसरा कमरा है, अभी यहाँ सो रखे हैं। ये बेड यहाँ है, चलिए जी उठिए, चाय बन गई। चलते हैं फिर किचन में चाय बनाने। हमारा पानी आ चुका है, काफ़ी दिन में आया बलाज, तो आज हम सारे बर्तन वगैरह भर देते हैं। टंकी खाली है, टंकी खाली है तो टंकी भरते हैं हम। ये मैंने पाइप लगा रखा है ऊपर, तो मेरी सास ने कहा पहले टंकी भरो, क्योंकि टंकी में दो तीन बाल्टी होंगी, बाकी टंकी खाली है और काफ़ी मोटा आ रहा है पानी। तो हमने डाल दिया है ये टंकी में। टेंशन हो रखी थी, हमने बर्तन खाली कर रखे थे पनीर जाने के लिए, क्योंकि नीचे वाले में भी नहीं आ रहा पानी, कल आया था बल थोड़ा सा। तो चलो फिर अच्छा हुआ भगवान ने सुन ली हमारी और पानी आ गया। चलो फिर पानी भरते हैं, फिर उसके बाद सफाई उफाई हमने एक कमरे की और एक किचन की कर दी है, बाकी दो कमरों की कल और परसों करेंगे। तो अब इसके पानी भरने के बाद नहाना धोना करते हैं। फ्रेंड्स तो हम नहा धो गए हैं, पानी आ रखा था, तो आज टंकी भी भर दी, पूरे 20-25 हमने बर्तन भी भर दिए। मेरी सास अकेला है लेकिन पानी बहुत भरते हैं, और 20-25 हमने डब्बे भर दिए। पूरी हमने 1000 लीटर की है शायद, 1500 की कि 1000 की है शायद टंकी भर दी। और बाथरूम धो दिया पूरी, टाइल से लेके नीचे तक किचन धो दिया। और ये वाला कमरा धो रहे थे हम, लेकिन पानी चला गया, इसमें पोछा ही मार रखा है। दो कमरे रह गए, अगर 3-4 दिन के अंदर पानी आ गया तो उनको धो देंगे तीनों को मतलब, और नहीं आएगा तो फिर पोछा मारेंगे। अभी सारा बिस्तर डाल रखा है, इसे उठाते हैं। इस पूरे बेड वगैरह खाली कर रखें और थक गए, पानी भरते भरते डब्बे लाते लाते, नहीं तो हमें ना नीचे पनीर से लाना था, आफत आ जाती है क्योंकि पानी ना आजकल पानी की कमी हो रखी है। और अब बिस्तरों को भी 1-2 घंटा हो गया है बाहर, तो अभी 2-3 घंटे रखेंगे और उसके बाद 2-3 घंटे और रखेंगे, उसके बाद फिर। ये वाले ना गांव के आलू हैं, अब देखो छोटे छोटे हैं, इस 1-2 दीदियों ने दे रखे हैं बल, तो ये आलू मेरी बहुत स्वादिष्ट हो रहे हैं। मेरी सास कह रही मैंने एक दिन बनाई इनकी सब्ज़ी, तो इनकी ना हम सोच रहे हैं आज दिन में इनकी थिंचौनी बनाएं, ऐसे ही धो के ऐसे ही बिना छिलके निकाले, इनके छिलके निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ही नहीं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आज इनकी थिंचौनी बनाते हैं, तो बनाते हैं हम इनकी थिंचौनी। और अभी नाश्ता नहीं बनाया, आटा गूंज के रख दिया मेरी सास ने, क्योंकि मेरा हाथ जला हुआ है तो वहाँ पे ना गूंजा नहीं जा रहा, तो बाद में। अभी 6:30 हो रही हैं, तो 8 बजे करीब बनाएंगे नाश्ता, तब तक हम जरा घर के बिस्तरे वगैरह डालते हैं बाहर। देखना मेरे हस्बैंड तो लाने भी लग गए बिस्तरे बाहर, दीवानों के अंदर के हैं ना, उनकी सफा उनको निकालते हैं, उनको सुखाते हैं, फिर अगले महीने दीदी और आएंगे फिर वो भी सुखाएंगे। देखो साफ सफाई शुरू हो गई ऐसे, देखो मेरी सास ने नीचे के सारे मैट वगैरह उठा के वहाँ तय करके रखे हैं, और नीचे फर्श ना ठंडी ऐसी है, बिछाते ही नहीं है। जब भी आते हैं तब भी हमेशा सफाई होती है जालों की, फिर भी इस बार ना इस कमरे में थोड़ा कम है, लेकिन बाहर ज़्यादा है, लेकिन पंखों की हालत ख़राब है। ये देखेंगे पंखे साफ तो हमारे लम्बू जी करेंगे, है ना। तो यहाँ काफ़ी मिट्टी जमी हुई है, ये ना मिट्टी इस पे चिपक गई है, यहाँ लगे हुए हैं जाले,
एक एक कमरे करके करेंगे, तीन कमरे हैं तो एक एक कमरे करके करेंगे। थोड़ा पंखा भी झाड़ देना, जहां जहां पहुंच पाऊंगी वहां वहां। इन्हें यहाँ चिपक गया है, अभी इसको ना कपड़े से साफ करेंगे। पहले इसकी मिट्टी झाड़ देती हूँ, बहुत ज्यादा मिट्टी हो रही है इसमें। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम अपना काम वाम खत्म करके खेतों में, और मैंने कहा थोड़ा खेतों को देख के आते हैं। खेतों नहीं है पर पूरे सलपट्टी बन रखी है, ऊपर रोड से सारा मलमा रखा है। देखिए ये देखो सारा। और मेरी सास कह रही है कि यहाँ के जो ये पत्थर है ना सब लोग ले गए हैं, इनको इकट्ठा करो। तो देखो यहाँ से रो वहाँ तक कैसे करेंगे हम, ये तो बहादुर लोग ही करेंगे इनको ठीक। सारे पत्थर वही निकालेंगे, हम कैसे निकालें कंडली, हमारा तो देख के ही कंडली लगाओ सुन। ये है हमारी पहाड़ी कंडली और इसकी सब्जी बनती है। और फ्रेंड्स ये देखिए इसके झीस कांटे, लेकिन इसको उबालते हैं उसके बाद बनती है इसकी सब्जी। लेकिन हमने ना कभी बनाई, और बहुत पहले छोटे में एक बार हमने शादी में गांव में खाई थी अपने मायके में। आज आपके लिए बनाऊं ऐसे ही बिना उबाल बनती है सर्दियों में, और गर्म होती है ये कंडली बहुत। ये शुगर उगर के लिए कई लिए काम आता है, और बहुत बीमारियों की जड़ है ये कंडली। पहाड़ी कंडली का साग दवाई, कंडली का साग और बात। अब मैं सोच रही हूँ इनके लिए बनाती हूँ डायरेक्ट कंडली सब्जी। कांटे लगते हैं कि नहीं लगते इनके मुंह पे? और ये करीब इसको बोलते हैं एक आप क्या कहते हैं? चल तुम्हारे खींचने भी ले, हल्के से भेजना हो और और अब चल रही है छत की सफाई। यहाँ भी सब मिट्टी जाले सब लगे हुए हैं, ये देखो जाले देखो। यहाँ कोई चढ़ नहीं पाता ना, मकड़ी के जाले भी हैं ना। चलो जाले मकड़ी के ही होते हैं। फ्रिज में दे रहे हैं खुली जो खुली फुटी जा। और इसमें देखो चिड़िया घोंसला बना रही है, इसको भी दिखा देते हैं ना, ये देखा गुथनी बोलते हैं गाँव में इसको। ये देखो मिट्टी से छोटी छोटी जो तिनका ला के चिड़िया बना रहे हैं, तीनों दरवाजों पे बना रही है। ये देखो ये भी है, ये भी अभी बन रहा है, इस पे भी बन रहा है। इस स्टार्टिंग देखो, इसकी स्टार्टिंग देखो अभी ऐसे बन रही है, और उस पर बार 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 आ रही है सुबह से, इतनी बार आ गई वो चिड़िया बना रही वहाँ पे। चलो जी ये है खड़ी का पेड़, और उसके पत्ते ना गाय भैंस के काम आते हैं आजकल खाने के लिए, क्योंकि आजकल ना गांव में हरा घास नहीं होता है तो इसी को देते हैं। और मेरी सास देखो वहाँ छत में चढ़ रही है, हमें जहाँ हम जा रहे हैं वहीं मेरी सास भी आ रही है देखो ऊपर। और ये है अखरोट का पेड़,
वो भी वो खड़ी का है, वो भी अखरोट का है, और ये हमारा है अखरोट का पेड़। पर निकालता कोई नहीं है, दांती अखरोटे हैं तो बहुत टेस्टी, लेकिन फूटते ही नहीं हैं। ये पूरे अखरोट के हैं और लोगों के हैं, ये केले के, ये देखो केले के हैं। और ये सामने देखिए कितने सुंदर सुंदर पिंक पिंक गुरियाल के फूल आ रखे हैं। ये बोले देखिए पे भी फूल आ रहे हैं, ये देखिए गुरियाल के फूल। इनकी भी सब्जी होती है, लेकिन छोटे बच्चे की मार छोटे बच्चों को नहीं देते। कहाँ है किनगोड़ दिखाओ, किनगोड़ कहाँ है, देख अभी फूल हो रहे हैं। हाँ अभी ना फूल हैं इस पर, फिर इस पर वो आएंगे काले काले दाने आते हैं। किनगोड़ सिर किनगोड़ हिस्सर और किनगोर, अब हिस्सर और ये किनगोर पहाड़ी फल, ये इनका सीजन है। ये अभी फूल आ रखे हैं, एक दो महीने में ये काले काले दाने होंगे इसमें, बहुत टेस्टी होते हैं। आप वीडियो दिखाता हूँ, ये देखें मेरी सास कह रही है ये सारे सूख रखे हैं, इस पर कह रही आग जला दो। और मैंने कहा सारे ऊपर वालों के पेड़ सूख रखे ना ये, मैंने कहा यहाँ आग बिल्कुल भी नहीं मुझेगी, हम नहीं कर रहे भैया, हमारे बस की नहीं है, हमें तो ऐसी घबराहट हो जाती है। देखें यहाँ इस पे लगा देंगे, ये काट के रखे हैं। ये बेडू है पर इस पे हाँ अभी है नहीं, इस पे नहीं आ रखे ना फल, नहीं आ रखे। ये देखा मैं तो सोच रही हूँ कटिंग कर देते हैं इनकी, क्या की शाम के टाइम मुड़ काट देते पहले दिखना। नहीं नहीं ये जो जो भी है ना ये सारे काट देते हैं, बाढ़ चम्मच है वो, पर बाढ़ है ना वो ऊपर से गाय बच्ची नहीं आएंगे नीचे, झटके देंगे। हाँ तो वो तो करते लोग, पोखरी खेत बाजार से आ रहे हैं। मार्केट से आ रहे हैं ये लोग, दिनेश कोई होगा। आ गए हैं हम यहाँ पे, और ये यहाँ पे बेंच भी लग रखी है बैठने के लिए। और ये देखें यहाँ पे बच्चे खेलने आते थे इस वाले खेत में, बहुत बड़ा है अब तो ना, इधर उधर से दब भी गया। पहाड़ देखिए ऊपर धार में ना, यहाँ पे कुछ बना है, चाहे बैठने के लिए बना होगा, ऊपर से छत वगैरह डाल रखी है। पहले हमारा ये रास्ता था पौड़ी से आने का पैदल, यहाँ 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 दे दे। और सबसे पहले यहीं तक आती थी हमारी गाड़ी, यहीं पे रुकती थी क्योंकि आगे ख़राब थी। और पुरानी नई वाली पुरानी वाली रोड हमारी वो है ऊपर, ये नई, ये देखें। और यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको अपने पूरे गाँव का व्यू, ऊपर दिख रहा है ना वहाँ तक हमारा जंगल है, उससे पीछे की साइड भी है, उसके पीछे गांव आ गए सिमतोली, इस तरफ आ गया कुलड़ी, बहुत सारे गांव हैं। और क्या गांव इधर कुलड़ी के आसपास ऊपर कांडे है, जसपुर है। और ये देखिए हमारा पूरा गांव, देखिए कितना बड़ा है, यहां से हमारा गांव स्टार्ट है। और पूरा ये देखो, ये बिल्कुल ये हमारा घर है ये सामने, और यहीं पे रोड जा रखे हमारे घर के बिल्कुल सामने। वो सामने हमारी चुरकंडी गांव का उफरे मंदिर दिख रहा है, वो लास्ट तक देखिए उधर पांग है, सासों मासों पता नहीं क्या क्या गांव है उधर, बहुत गांव है। पाबो साइड है वो गई ये ऊपर को, ये सीकू धार है, देखिए व्यू। वो पांग जी ने पांग जो मुलर का ही रहा था। हाँ और वो के पत्थर मार के मुलका, हाँ तिमिल धार बनी जो रोड जी तिमिल खाली में ना, ये तो बैठ गए हैं यहाँ पे
आराम से अब हम भी बैठते हैं। और जंगल देखना, हमारा गांव के यहीं से शुरू हो गया, ये देखिए ठीक ऊपर एंड तक, और इस जितना ऊपर तक है इससे ज़्यादा इसके पीछे की साइड में। ये देखिए ये है हमारा गांव, और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत उत्तराखंड प्यारा है, देखिए पूरा यहाँ पे है। और ये हमारे गांव का नज़ारा है, खूबसूरत सा ऊपर ये, और ये देखो रेड रेड फूल, ये उसके हैं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा है। ये है हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। यहाँ भी ऊपर भी मकान है, दो मकान यहाँ पे भी हैं, इन्होंने भी खूब खेती बाड़ी कर रखी है। ये दीदी का घर है नीचे, ये भी ऊपर है, तो यहाँ पे भी दीदी ने खूब अपनी खेती बाड़ी कर रखी है, किचन गार्डन बना रखा है दीदी ने बहुत अच्छा यहाँ पे। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे यहाँ पे भी, पिछली बार भी गए थे हम लोग। ऊपर से गाड़ी आ रही है, स्कूटी में आ रही है कोई। निपोड़ निपोड़ दिखे ना, सांप दिखे ना चाहे तुम। देख लिया सांप, ले लिया मैंने तुम वीडियो में। नमस्ते नमस्ते, हाँ हम भी आ रही। एक मिनट में वीडियो नहीं पूछो। ये है नीचे से वो मेरे साथ बातें कर रहे हैं, देख उनकी फोटो ला रही हूँ मैं जूम करके। नहीं आ रहे ना अंदर भागे? नहीं चले गए अंदर। वो है कोच लेडीज है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका एक उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। और सुबह की बज रही हैं 6, और ये देखिए कितनी कड़ाके की धूप आई है, कहीं से नहीं लग रहा कि 6 बज रही हैं, कितनी तेज़ धूप आ रही है। और चिड़िया भी खूब चह चह कर रही हैं, खूब अच्छी धुन बजा रही हैं चिड़ियाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ठंड लगी रात को यहाँ पे खूब, दिन में तो बहुत तेज़ धूप है लेकिन सुबह शाम ना ठंड है। और मैं अभी उठ रही हूँ और अब बनाते हैं हम चाय, और 6 बज रही हैं, और इतना ऐसे लग रहा है कि जैसे 9-10 बज गई होंगी, धूप से आंखें भी नहीं खुल रही। ये देखें सुबह सुबह का दृश्य, छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं पेड़ों में, गुनगुना रही हैं। देखो उधर तो बिल्कुल ऐसा दिख भी नहीं रहा, उस तरफ धुंध जैसी लगी हुई है। देखिए चिड़ियाएं बैठी हुई हैं सब। चलो फिर आप चाय बनाते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं, क्योंकि गांव में तो
चाहिए चाहिए। तो अब बैठ गए हम धूप से आके छाया में, पेड़ की छाया में, और यहाँ पे अब खाना बनाएंगे हम थोड़ी देर में। टाइम ही नहीं हो रहा, टाइम ही का पता नहीं चल रहा। अभी 10 बजने वाली हैं और ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा हो गया ना। क्या करें, बोरियत आ रही है अब इस टाइम। सुबह शाम तो अच्छा लग रहा था, अब बोरियत आ रही है क्योंकि काम वगैरह अब हमारे पास अभी है नहीं। शाम को है, शाम को नीचे की सफाई करेंगे हम लोग और फिर चलो। फिर फ्रेंड ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ ज्वालपा, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय देवभूमि।